थायराइड हो गया है, तो ये क्या होता है? बेसिकली थायराइड एक ग्लैंड है जो नेक में होती है, ये कुछ हार्मोन्स बनाती है जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, T3 T4 हार्मोन। ये हार्मोन हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। अगर ये हार्मोन्स कम बनेंगे तो हमारे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम ठीक से काम नहीं करेंगे, ठीक है। थायराइड ठीक से काम करे इसके लिए हमारे ब्रेन से एक और हार्मोन बनता है, उसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। तो यहाँ से TSH निकल के आता है ग्लैंड्स में, और ग्लैंड से T3 T4 निकलता है और बॉडी में काम करता है। तो ये है हार्मोन्स के काम करने का सिस्टम थायराइड ग्लैंड्स का। अब अगर किसी वजह से थायराइड की ग्लैंड हार्मोन्स बनाना कम कर दे, तो हम कैसे पता करेंगे कि उसके कम कर दिया बनाना? हम TSH, T3 T4 का टेस्ट करेंगे और उसका लेवल कम ज़्यादा मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम ऊपर है कि नीचे है। बोलते हैं प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म या हाइपरथायरायडिज्म या सेकेंडरी हाइपरथायरायडिज्म या हाइपोथायरायडिज्म, ठीक। अगर कम हार्मोन बन रहा है तो हाइपोथायरायडिज्म, अगर ज़्यादा बन रहा है तो हाइपर। तो ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। बेसिकली ज़्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हाइपोथायरायडिज्म। इसमें वेट बढ़ता है, हेयर फॉल बढ़ जाता है, लेडीज़ में पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, पेट की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन, और स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ड्राइनेस, इचिंग, एलर्जीज एक्सेट्रा। और इसको ठीक कैसे करेंगे? अगर स्किन में आपके ग्लैंड में हार्मोन नहीं बन रहा है तो कैसे ठीक करेंगे? बहुत इजी है। थायराइड हार्मोन की टैबलेट्स होती हैं, उसे आपको रोज खाना है। वो बॉडी में जाकर के वैसे ही काम करेंगे जैसे ग्लैंड में नेचुरल हार्मोन बनता था तो काम करता था। तो आपको लाइफ लॉन्ग वो टैबलेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ग्लैंड आपकी सेल्स जो हैं वो मर चुकी हैं और वो हार्मोन बनाने लगे हैं। बिना इस हार्मोन के आपके बॉडी का काम चलना नहीं है, तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। सिंपल ट्रीटमेंट। क्या कुछ ऐसा है जिससे कि थायराइड हमेशा के लिए ठीक हो जाए और कभी दवा ना खानी पड़े? नहीं है। अगर सेल्स मर गई हैं तो हार्मोन नहीं बनेगा। क्या आप कुछ योगा या प्राणायाम करेंगे तो आपका थायराइड हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर सेल्स मर गई हैं तो वो दोबारा पैदा नहीं होती हैं। थायराइड अगर नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा, आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। क्या लंबे समय तक थायराइड लेने के बाद हमने टेस्ट किया और मेरे रिपोर्ट सब सही आ रही है तो इसका मतलब मेरा ठीक हो गया? नहीं, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं थायराइड हार्मोन का, और वो जो आप गोली खा रहे हैं वही थायराइड हार्मोन है। तो जब चेक करते हैं तो ब्लड में लेवल पता चलता है कि ठीक है, क्योंकि आप खा रहे हैं। जैसे ही आप बंद करेंगे ब्लड खाली हो जाएगा और रिपोर्ट आपकी फिर से गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आप गोलियाँ खा रहे हैं और आपकी रिपोर्ट सही हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि थायराइड आपका ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि उचित मात्रा में थायराइड हार्मोन बाहर से ले रहे हैं और आपकी बॉडी सही तरीके से काम कर रही है।